हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ शिवम श्रीवास्तव। तो आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक न्यूज़ में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ICC वर्ल्ड कप T20 की। कि T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान से मैच क्यों हारा, किस तरह हारा, क्या वजह थी इसकी कि भारत इंडिया से मैच हार गया। भारत के मैच हारने की वजह ना तो पाकिस्तान की बैटिंग थी और ना ही उनकी बॉलिंग थी और ना ही उनकी ज़बरदस्त फील्डिंग थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। भारत के मैच हारने की वजह पाकिस्तान की साजिश थी और आप इस साजिश में पाकिस्तान के अपने प्रधानमंत्री इमरान खान, जिन्हें आप इन तस्वीर में देख सकते हैं, अगर आप गौर करें तो उनके हाथ में कुछ है और वो कुछ पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने हाथ भी यूज़ कर रहे हैं। वो कुछ पढ़ नहीं रहे, वो एक पढ़ रहे हैं खातक मंत्र। तो वो एक बहुत ही ख़तरनाक मंत्र पढ़ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है, दुबई में ये मंत्र रिसीव कौन कर रहा था? तो भाई, दुबई में ये मंत्र रिसीव शाहिन शाह अफरीदी कर रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। आपने मैच में भी देखा होगा कि शाहिन शाह अफरीदी अपने हाथों को चूमकर, अपने हाथों की चुमियां लेकर, अपने हाथों को रडार बनाकर दुबई स्टेडियम में यह मंत्र इमरान खान का रिसीव कर रहे थे और अपने हाथों को घुमा घुमा कर पूरे स्टेडियम में यह मंत्र फैला रहे थे। भारतीय रॉ को जब इस साजिश की खबर पड़ी तो उन्होंने इस घातक मंत्र का तोड़ ढूंढने के लिए अक्षय कुमार को काले कपड़े पहनाकर स्टेडियम में उतार दिया। पर भारतीय रॉ को ये जानकारी ही नहीं थी कि पाकिस्तानी ISI हमेशा की तरह उनसे 10 कदम आगे थी। उन्होंने अक्षय कुमार से पहले फवाद चौधरी को काले कपड़े पहनाकर स्टेडियम में बिठा दिया था। उन्होंने तोड़ अक्षय कुमार का तोड़ फवाद चौधरी को काले रंग के सूट में स्टेडियम में बिठा दिया था। और इसी तरह से पाकिस्तानी का घातक मंत्र पूरे भारतीय टीम पर काबू था, छाया हुआ था। बहुत ही गंदा असर था, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये देखें, पूरी भारतीय टीम इस मंत्र पकड़ में थी। पूरी की पूरी भारतीय टीम मंत्र के पकड़ में आ गई थी। इन सब के बाद भारत टीम की आखिरी उम्मीद विराट कोहली थे और मंत्र उन पर हावी ना हो इसलिए उन्होंने अपनी टोपी डबल कर ली। बट मंत्र इतना घातक था, विराट कोहली भी मैच के आखिर में पाकिस्तानी टीम से ऐसे मिल रहे थे जैसे कि मानो कोई होली का त्यौहार। आप देख सकते हैं इन वीडियो में, इस तस्वीर में। यही नहीं बल्कि एक और हम साजिश दिखाते हैं हम आपको, पाकिस्तान और सॉरी भारत और न्यूजीलैंड की मैच में। इस पहले ओवर में इंडिया की 3 विकेटें गिर गईं न्यूजीलैंड के मैच के साथ। और आप देख सकते हैं इस रश में बैठे हुए हैं सरफराज, काला कपड़ा बांध के बैठे हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं एक घातक मंत्र। इसके बाद रोहित है, उन्होंने अपनी धुआंधार बैटिंग से इस मंत्र का सामना किया और पल्ले को घुमा घुमा के इस मंत्र का सामना कर रहे थे, पर वो भी इस मंत्र से बच ना पाए।
और आखिर में इंडिया की उम्मीदा बने जडेजा। जडेजा ने लंबे लंबे छक्के मारकर न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से ये देखा ना गया, उन्होंने तेज़ हवाएं भेजकर जडेजा के छक्के को कैच में बदल दिया और इंडिया की टीम मैच हार गई। इसी तो ऐसी ख़तरनाक और घातक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। खुदा हाफिज़।